अस्सलाम वालेकुम जी, सब दवाम वेलकम मेरे चैनल पे। जिस तरह तुहानू सब नू पता है कि मैं रोमानिया बुल्गारिया दे शिंगन एक्सेशन दे विच हर नई अपडेट नू तुहाडे नाल शेयर करता रहना है। अज शार्ट जी वीडियो दो इंपोर्टेंट चीज़ा मैं शेयर करांगा। पहली चीज़ तो है कि मैं लास्ट वीडियो दस्या सी है कि आस्ट्रिया दे चांसलर ने बुल्गारिया विजिट किया सी और उस तो बाद उसने बुल्गारिया और तुर्की दी दे बार्डर उत्ते फेंसिस बार लाने वास्ते $2 बिलियन की डिमांड की सी यूरोपियन कमीशन को है। अज यूरोपियन कमीशन का बयान आया इस चीज़ से जिदे विच यूरोपियन कमीशन ने टोटली रिजेक्ट कर दिता है इस डिमांड नू और नाल ना कह के यूरोपियन कमीशन जिहड़ा है वह $2 बिलियन सिर्फ एक दीवार बनाने वास्ते या वार लाने वास्ते नहीं देगा, सिर्फ इस वास्ते कि माइग्रेंट्स नू यानी कि इलीगल जितने भी गैर मुल्की आते हैं उन्होंने रोकने वास्ते है। नाल ही यूरोपियन कमीशन ने कहा कि अगर असी इस तरह दी चीज़ों वास्ते पैसे लाने लग पे तो साढ़े को फिर दूजिया चीज़ों वास्ते पैसे नहीं हो गए है। और इस तो बाद यूरोपियन कमीशन के मेन मेन बंदे ने कहा कि उन्हें कहा कि कभी खाब हों कि यूरोपियन कमीशन वास्ते वाल कोलों तुसी कोई भी चीज़ मंगो तो उस टाइम दे देंगे सी, लेकिन हुण गल इस तरह की नहीं है। उन्हें कहा कि उन्होंने यूरोपियन कमीशन ने मेरे डिपार्टमेंट का बजट जिहड़ा 2021-2027 का बहुत ज़्यादा हिस्सा कट कर दिता है, यानी कि यूरोपियन कमीशन को इन्ने फालतू चीज़ों वास्ते पैसे नहीं हैं। है तुर्की ते बुल्गारिया का बार्डर जिहड़ा हमेशा नज़र च रहा है, हमेशा डिस्कशन दे विच रहा, क्योंकि हर गुजरते दिन दे नाल इत्थों बहुत ज़्यादा डंकियां लगदियां ने, बहुत ज़्यादा बंदे इस बार्डर तों अगे जांदे ने, जिहदी वजह तों ऐसे जनवरी दे महीने दे शुरू विच 92 बंदे यूरोपियन लॉ इनफोर्समेंट एजेंसीज ने फड़े ने है, जिहड़े समगलिंग करदे सी, जिहड़े डंकियां लवांदे सी बंदियां नूं वाया बुल्गारिया वाया सर्बिया अगू दूसरे मुल्कां विच लै के जांदे सी, यानी कि वह कोशिश करदे पे। इलीगल माइग्रेशन हमेशा ही बुल्गारियन अथॉरिटीज वास्ते सरदर्द बनी रही है और ये वास्ते इन्हें वर्क हार्ड भी करना पवेगा ताकि इन्हों का फ्यूचर से कोई चांस बने है। दूजा जो मेन इंपोर्टेंट पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाह रहा है वो बहुत बड़ा बयान है आस्ट्रेलियन अथॉरिटीज का ए उत्ते है। आस्ट्रेलिया की वजीर जी होम अफेयर की वजीर कारोलीने स्टादलर उन्होंने बहुत बड़ा बयान आया, उन्होंने कहा कि असी बुल्गारिया नू शिंगन दे विच शामिल करांगे, असी बुल्गारिया नू हर किस्म की सपोर्ट करांगे शिंगन मैंबर बनने वास्ते, लेकिन बुल्गारिया नू चाहिए कि वह यूरोपीय यूनियन ने जिहड़ी नई माइग्रेशन पॉलिसी बनाई है, जिहड़ियां पुरानी माइग्रेशन पॉलिसी तब्दीली करके नहीं बनाई है, उहनू अपने मुल्क विच अपलाई करना है। हालांकि याद रखने वाली चीज़ है आस्ट्रेलिया ने इस वजह तो रोमानिया नू भी ब्लॉक किया सी, हुण उहदा मजीद इस बयान नू फैलाण लग्या मजीद अगे नू उन्हें स्टेट किया, उन्हें कहा कि असी रोमानिया सॉरी असी शिंगन एक्सपेंशन उत्ते दोबारा गल करना चाहते हाँ, असी शिंगन दे बार्डर नू मजीद अगे फैलाना चाहते हाँ, असी अपने पार्टनर्स बुल्गारिया और रोमानिया नाल बह के गल करना चाहते हाँ, असी ऐसे चीज़ नू वोटिंग एजेंडा नू दोबारा इन्हां मुल्कां दा वोटिंग शिंगन एक्सपेंशन नू वोटिंग एजेंडा ते रखण ते भी सपोर्ट करांगे, असीं इन्हां दे शिंगन शमूलियत विच भी सपोर्ट करांगे, लेकिन ए जिहड़ी नई माइग्रेशन पॉलिसी तब्दीलियां होईयां ने उहनू और असाइलम पॉलिसी नू पहले अपलाई करन है। यह बहुत वड्डा बयान है, बहुत वड्डा बयान है। और इस तो अलावा उन्हें कहा कि असी भी इस इशू ते वर्क हार्ड करांगे, असी भी इस इशू नू मजीद इहदे ते काम करांगे है, यानी कि जिहड़ी मैं पिछले वीडियो बनाई सी उहदे ते जिहड़ा इहनां दे चांसलर दा बयान सी उसकी रोशनी ते मुश्किल लग रहा है कि मैं खुद 5% चांस लग रहे थे कि यह दोबारा शिंगन च शामिल होंगे, हो सकता है ये इस साल के चांसिस ही ना हो, लेकिन हुण उन्होंने कम अज कम एक नवी राह खोल दी है कि अगर बुल्गारिया रोमानिया माइग्रेशन पॉलिसी जी नहीं आई और फुलफिल अमल करते हैं और असाइलम पॉलिसी पर भी अमल करते हैं और इन्हें इस मुल्क को कन्विंस कर लेंगे ने तो फिर वह भी दोबारा वोटिंग एजेंडा चांसिस हो सकते हैं। बाकी जीवन वास्ते रहो, आबाद रहो, रब सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।